ओके सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज का जो एज पर शेड्यूल हमारी जो क्लासेज है क्लास 1, 3 एंड 5 ओके। सो जैसे कि हम लोग एक्टिविटी लेते हैं तो आज क्लास फर्स्ट आरटीचम बुक में से अभी तक लास्ट वीडियो में हमने देखा था ओके एक क्राफ्ट एक्टिविटी थी ठीक है। सो आज क्राफ्ट एक्टिविटी प्लस कलरिंग एक्टिविटी दोनों साथ में ओके। सो पेज नंबर 21 जो आई राइट ओके पेपर पेस्टिंग विथ कलरिंग ठीक है। हम लोग देख सकते हैं पेज नंबर 21 पे ओके। सो यहाँ पे थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दिया है पेस्ट रेड ग्लैज पेपर इन द कार ओके दैट इज द कार ठीक है। ये जो कार है इस कार में हमें इस ये रेड वाला पेपर ओके ठीक है। तो ये पेपर हमें यहाँ से कट करके इस कार में एज पर शेप जैसे कि शेप दी है ठीक है वैसे शेप में हमें कट करके वहाँ पे पेस्ट करना है ठीक है। सो इसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए हमें जस्ट गम ग्लू फेविकॉल व्हाटएवर जो भी होगा वो देन ऑयल पेस्टल कलर ओके देन एक छोटी सी सीजर ओके देन फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है इस पिंक कलर के पेपर को या फिर रेड कलर के पेपर को ठीक है। ये थोड़ा सा इसका कलर फेंड हुआ होगा आपका ठीक है। सो वन साइड फेंड है और एक साइड डार्क है ठीक है। देन जो डार्क वाला जो पार्ट है वो हमें यूज करना है ओके देन सबसे पहले एक सिंपल सी टेक्निक है ठीक है। ये जो पेपर है थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है ठीक है। सो आप लोग डायरेक्टली शेप भी कट कर सकते हैं विद पेंसिल ओके या तो फिर हमें तीन पार्ट में शेप चाहिए तो सबसे पहले जो दो बड़े वाले जो शेप है ठीक है आप लोग आपके स्क्रीन पे देख सकते हो एक दो बड़े शेप है ओके। ये दोनों शेप हमें कट करना है आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो ठीक है। यहाँ से यहाँ तक देखो यहाँ पे हाफ सर्कल भी आ गया एक बड़ा हाफ सर्कल आ गया ठीक है। स्ट्रेट लाइन आ गई देन कर्व लाइन आ गई तो ये तीनों पार्ट हमें कट करना है। ये सबसे बड़े दो पार्ट है ये दो पार्ट हम लोग मतलब हम पहले कट करेंगे देन सेकंड में ये वाला पार्ट हम कट करेंगे ठीक है। या तो फिर सेकंड टेक्निक ऐसी भी है आप लोग जस्ट पेंसिल लो ठीक है और जितना पार्ट आपको दिख रहा है ठीक है ये थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट है ठीक है। एक ये भी टेक्निक है जितना पार्ट आप देख सकते हो उतना पार्ट ड्रॉ कर लो देन कट करो देन पेस्ट करो ठीक है। या तो फिर दूसरी टेक्निक ऐसी है कि मेजरमेंट ले लो कहाँ से हमें कितना चाहिए ठीक है वहाँ तक हमें फोल्ड करनी है। ये एक ईजी टेक्निक है ठीक है। इतना पार्ट हमने लिया इसे फोल्ड कर दिया ठीक है देन जितना पार्ट हमने फोल्ड किया है इधर देखना है कि कहीं कम ज़्यादा तो नहीं है ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मुझे जितना पार्ट चाहिए उतना ही मैंने फोल्ड कर दिया है ठीक है। एक ये टेक्निक इजी टेक्निक है और दूसरी जो मैंने बोली कि थोड़ी सी सीट ट्रांसपेरेंट है ठीक है हो सकता है कि आपकी सीट ट्रांसपेरेंट ना हो ओके ये थोड़ी सी फेंड हो गई है तो ये टेक्निक अच्छी है कि सबसे पहले दो पार्ट कर लो। देखो जितना पार्ट आप ये करेंगे ना उतना ही पार्ट इधर वाला है ठीक है। सो एक पार्ट में आपके दो शेप निकलते हैं ठीक है एक स्टार्टिंग वाला ये वाला शेप निकले और सेकंड वाला ये वाला शेप निकले ओके देख आई विल कट इट। इस पार्ट को मैं कट करूँगा आप लोग सीजर से भी कट कर सकते हो या तो फिर
डायरेक्टली कट कर सकते हो। सबसे पहले इसे थोड़ा सा प्रेस करना है, ठीक है। प्रेस करने के बाद में ये थोड़ा सा यहाँ पे एक लाइन जैसा बन जाएगा कि ताकि ये आराम से कट कर सके, ठीक है। देन यहाँ से हम लोग डायरेक्टली इसे कट करते हैं, ठीक है। जब भी आप लोग कट करेंगे तो केयरफुली कट करना है, ओके। या तो फिर डायरेक्टली सीजर से कट करो, ठीक है। और जब भी आप लोग सीजर यूज करोगे तो भी केयरफुल, क्योंकि ये आपके हाथों को लग भी सकती है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा सावधान रहना है जब हम लोग सीजर यूज करते हैं, ठीक है। या तो फिर आप लोग आपके पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो सिर्फ कटिंग के बारे में, ओके। देन ये देखो, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, ठीक है। देन मैं इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दूँगा, ठीक है, ताकि मेरा जो बाकी बचा हुआ जो पेपर है वो दूसरे एक्टिविटी में काम आए, ठीक है। एक कम पेपर में अच्छे एक्टिविटी का मैनेजमेंट है। देन इसे भी मैंने कट कर दिया। कट करने के बाद में यहाँ पे देखना है आपको कि आता है वर्टिकली आता है कि ओरिजेंटली आता है। ओरिजेंटल तो रहेगा, वर्टिकली आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने सबसे पहले मेजरमेंट तो वर्टिकल का लिया था, तो ओरिजेंटल तो नहीं आएगा, वर्टिकल ही आएगा, ठीक है। एक ये पार्ट होगा मेरा और ये दूसरा ये पार्ट होगा, दैट इज द परफेक्ट टू पार्ट। देन ये कटिंग में एक साथ में तीनों की भी करूँगा, या तो फिर शेप बाय भी कट कर सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आपको इजी लगे वैसे आप लोग कर लो। सबसे पहले मैं तो यही कहूँगा कि आपको तीन सेम पार्ट निकालें, ठीक है। ये दो पार्ट मेरे निकल गए, या तो आप लोग इसे वन पार्ट नंबर वन दो और इसे टू दे दो, ठीक है, ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, ओके। देन फिर से मिडल वाला जो पार्ट है उसके लिए मैं मेजरमेंट लूँगा, ठीक है, यहाँ से, ओके। कहाँ तक मेरा पार्ट तो मुझे देखना है, ओके। थोड़ी सी सीट ट्रांसपेरेंट है तो थोड़ा सा आपको भी अंदाज आ जाएगा कि कितना पार्ट आपको कट करना है, ओके। या तो फिर ठीक है, आपको उसके अंदर का नहीं दिख रहा है जब आप लोग उस पेपर रखते हो, तो आप लोग ऐसे भी देख सकते हो कि कितना छोटा और कितना बड़ा है, ठीक है, उतना पार्ट आपको निकालना है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा भी पार्ट निकल गया तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बट छोटा पार्ट आप लोग बनाते हो तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बड़ा पार्ट हम लोग छोटा कर सकते हैं, बट छोटा पार्ट हम लोग बड़ा नहीं कर पाएंगे। इसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाला पार्ट निकाल के ही कट करो, ठीक है। देन जितना भी कटिंग और पेस्टिंग वाला जो पार्ट है वो आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट कलरिंग वाला पार्ट जो भी है उससे भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये हो गया वर्टिकल पार्ट, ठीक है। देन एडजस्ट करके देखते हैं, ठीक है, फिक्स है। देन इसे यहाँ से दो पार्ट में फिर से डिवाइड करेंगे, ठीक है, इतना पार्ट, दैट इज द थर्ड नंबर, ओके। आप लोग इसे नंबर भी दे सकते हो, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। देन जो फर्स्ट वाला मेरा जो पार्ट था वो इधर वाला था, उसके साथ में अभी जो मेरा एक्चुअल शेप है उस शेप के साथ में मैं इसे कट करूँगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पे इंडिकेट किए हैं एक ड्राइंग, ठीक है, बीच में छोटा सा गैप है, ठीक है, तो आप लोग गैप भी रख सकते हैं और विदाउट गैप भी बना सकते हैं, बट गैप रहेगा तो और भी अच्छा दिखेगा, ठीक है, क्योंकि
ड्राइंग में परफेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितना आप लोग परफेक्ट ड्राइंग बनाओगे उतनी ड्राइंग आपकी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। एक छोटा छोटा पार्ट है, जहां पे कलर इंडिकेट किए है वहां पे आपको वाइल्ड पेस्टल के कलर यूज करना है। आप लोग देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे कि मुझे जितना पार्ट चाहिए था उतना ही मैंने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। और बाकी जो पार्ट है वो मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। और ये एक्टिविटी जब भी आप लोग करोगे तो लाइट के पास बैठ के करो, ठीक है, मतलब लाइट ऑन करके, ओके, या तो फिर बाहर, ताकि आप लोग आराम से जो उसका उसकी जो ओरिजिनल ड्राइंग है उसका जो आउटर पार्ट है वो आराम से आप लोग देख सकेंगे, ठीक है। देन ये फर्स्ट नंबर का पार्ट मैंने ड्रॉ कर लिया है, इसे यहाँ पे भी साइड में रखूँगा। फिर सेकंड नंबर का पार्ट ये भी वैसे ही ड्रॉ करना है, आप लोग आराम से ड्रॉ करना है आपको, ठीक है। बचपन में आप लोगों ने एक खेल खेला होगा कि पेंसिल से इम्प्रेशन लेते हैं, ठीक है, थीके? या तो फिर एक कॉइन रख के उसके ऊपर पेंसिल को घिस के, ठीक है, उसका एक इम्प्रेशन मतलब एक प्रिंट बनाते हो आप लोग, तो एक उसका एक पार्ट है, ठीक है। बट यहाँ पे हमने कुछ पार्ट की प्रिंट नहीं लेनी है, ठीक है। यहाँ पे जस्ट जो दिख रहा है उसकी जो ड्राइंग है वो कंप्लीट करनी है, ठीक है। जब भी आप लोग ड्राइंग करते हो तो ये जो ऊपर वाला जो पेपर है वो केयरफुली बगैर ही ले आपको उसके ऊपर ड्रॉ करनी है, ठीक है। और इसके अंदर से और एक लाइट वाला पार्ट है वो भी हमें कट करना है, ठीक है, ये वाला पार्ट कट करना है। ये होगा मेरा सेकंड वाला पार्ट, देन थर्ड वाला पार्ट, ठीक है। ये तो बहुत इजी है, सीधा सीधा एकदम। थिन कर्व लाइन है, ठीक है। ये एक्टिविटी के लिए थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, ठीक है, आराम से करो बट कंप्लीट करो, ठीक है। जितना भी कलरिंग का जो पार्ट रहेगा मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। कलरिंग वाला पार्ट आपको जैसे कि कलर इंडिकेट करके दिखाए यहाँ पे वैसे ही कलर आपको यहाँ पे फिल करना है, जैसे कि यहाँ पे येलो है, यहाँ पे येलो है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपको कलर करना है, यहाँ पे ग्रे कलर है, यहाँ पे ग्रे कलर है, देन बीच में वाइट कलर है, ठीक है। आप लोग यदि पेंसिल कलर यूज़ करते हो या फिर ऑयल पेस्टल यूज़ करते हो आपके पास वाइट कलर का शेड है तो यहाँ पे वाइट कलर यूज़ करो, ठीक है। आपके पास सीधी वाइट कलर का शेड नहीं है तो उसे ब्लाइंड भी छोड़ दिया, क्योंकि हमारा जो पेज है ऑलरेडी वाइट ही रहता है, ठीक है। बट आपके पास कलर है तो आप लोग फिल कर सकते हो, ठीक है। देन लेना आपको गम,
ओके सो यहाँ पे हमें इस तीनों पार्ट को कट करना है, ठीक है। तीनों पार्ट कट करके मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, देन एडजस्ट करके यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, ठीक है। नंबर वाइज आपको पेस्ट करना है, ओके। यहाँ पे लाइंस इसीलिए मैंने बताया और नंबर भी इसीलिए दिखाए हैं, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और इस एक्टिविटी में मे भी आपको प्रॉब्लम तो नहीं आएगा, बट आपको आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो एक्टिविटी है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी एक्टिविटी है, ठीक है। देन कलर में आपको करनी है, जितना पार्ट आपको इंडिकेट करके दिखाया है उतने पार्ट में आपको कलरिंग करनी है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो, देखो एक पार्ट मैंने थर्ड नंबर का जो पार्ट था वो मैंने यहाँ पे आपको कट करके और एडजस्ट करके यहाँ पे मैंने दिखाया है, ठीक है। देन सेकेंड नंबर का पार्ट वो भी वैसे ही कट करना है, ठीक है। और ये सारे कटआउट आपको पेस्ट करना है, ठीक है। और ये पेस्टिंग के बाद में जब थोड़ा सा सूख जाएगा तो आप लोग आराम से इसे कलर कर पाओगे, ठीक है। सूखने के बाद में कलर करो, ठीक है, या तो फिर आप लोग उससे कलर करोगे और फिर बाद में पेस्टिंग करोगे तो ये अच्छे से पेस्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑयल पेस्टल उसमें उसके नाम में ऑयल है, ठीक है। और ऑयल बेस पे आप लोग गम या तो फेविकॉल यूज़ करोगे तो अच्छे से वो पेस्ट नहीं होगा, ठीक है, और आपकी एक्टिविटी थोड़ी सी ख़राब हो सकती है। तो जितना भी पार्ट पेस्टिंग का है वो सबसे पहले उतना पार्ट कंप्लीट करो, ठीक है, देन बाद में आप लोग उसे कलर करो, ठीक है। आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ तो एक कमेंट कर दो, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे कंप्लीट करके आपको बताऊंगा, ठीक है। ये दो पार्ट मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, जस्ट इसे पेस्ट करना बाकी है, ठीक है। ये देखो, ये फर्स्ट नंबर का पार्ट था, ये थर्ड नंबर का पार्ट है, क्योंकि हमारा 1 2 3 ऐसे तीन पार्ट, 2 3, ठीक है। सो ये दो पार्ट मैंने यहाँ पे बना के दिखाए हैं आपको, ठीक है, यहाँ पे लगा के भी दिखाए हैं, सिर्फ आपको पेस्ट करना है, देन बाद में कलरिंग करना है, ठीक है। इसमें जितने भी कलर आपको इंडिकेट करके बताएं वही कलर आपको फिल करने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो वे दिखाया है, ठीक है, यहाँ पे पर्पल कलर आप लोग यूज़ करना, आपको यूज़ करना है, ठीक है। देन फ्लावर ऑलरेडी कलर है, ठीक है, छोटे छोटे फ्लावर है ऑलरेडी कलर किए चुके हैं, ठीक है। देन एक सन फ्लावर है, सेंटर में ऑरेंज कलर करना है आपको, साइड में सन फ्लावर है ऑरेंज कलर करना है, देन बाकी जो उसकी जो पार्ट है उसमें पिंक कलर करना है, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे इंडिकेट किए हुए
ये लॉकर कलर है, ठीक है। इस जो कार्टून है जो दिखाया है यहाँ पे, यहाँ पे आपको ये लॉकर कलर करना है, ठीक है। आइस बनाने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी आइस दी है, ठीक है। जितने जितने कलर आपको इंडिकेट करके दिखाया है उतने कलर आपको यहाँ पे मतलब कलर फिल करना है, ठीक है। सो आई होप आज की एक्टिविटी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। यदि आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद में आपको आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप पे सेंड करने हैं, ठीक है। आज का टॉपिक बस यहाँ तक था, थैंक यू। ओके, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। एज पर शेड्यूल आज का हमारा क्लास थर्ड है, ओके। सो जैसे कि हम लोग एक्टिविटी हरदम देखते रहते हैं आरटी चैम बुक में से, सो आज का क्यों एक न्यू टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि ग्राफ पेंटिंग मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाई थी, ठीक है। एक एलिफेंट था, एलिफेंट को ग्राफ के साथ में कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, कैसे नंबर वाइज हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जो रो है, ठीक है, उस रो में क्या नंबर दिया है और क्या नंबर से हमें कौन सी ड्राइंग का कौन सा पार्ट उस नंबर में या तो फिर उस स्क्वायर में हमें दिखाना है, ठीक है। ये सारा हमने लास्ट वीडियो में दिखाया था, ठीक है। आज का एक स्टिल लाइफ नाम का टॉपिक है, ठीक है। एक छोटे से यहाँ पे एक वेजिटेबल का एक सेट दिखाया है, आप लोग देख सकते हैं पेज नंबर 14 पे, ठीक है। ये आपको कलर करना है, ठीक है, आपको ड्राइंग भी करनी है, आपको कलर भी करना है, ठीक है। एक वेजिटेबल का एक सेट यहाँ पे दिखाया है आपको, ठीक है। कुछ शेड को आपको क्या करना है, कलर करना है। जैसे कि स्टेप बाय स्टेप आपको 3 स्टेप में यहाँ पे उन्होंने वेजिटेबल दिखाए और कलर कैसे करना है वो भी दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं लेते हैं, ठीक है, डायरेक्टली ड्राइंग स्टार्ट करते हैं, ओके। तो जब भी हम लोग ड्राइंग स्टार्ट करते हैं तो हमें जो पेपर है, पेपर का एक अच्छा सा एक सेंटर से थोड़ा सा कम, ठीक है, या तो फिर सेंटर से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। पेपर का सेंटर ये वाला है, ठीक है, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट हमें नीचे से छोड़ना है, ठीक है। अब यहाँ से सेंटर यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, बट हमें सेंटर से थोड़ा कम वाला पार्ट यहाँ पे लेना है, ओके। सो जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टेप दिए, यहाँ पे थोड़ा इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया है, ड्रॉ एंड कलर वेजिटेबल्स एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन, ठीक है। यहाँ पे स्टेप दिए है उन्होंने, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, सेकेंड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप में क्या करना है, ठीक है। देन थर्ड स्टेप में आपको डायरेक्टली कलरिंग करनी, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप दी है कि आपको फर्स्ट गिव द हाईलाइट टोन्स, ठीक है, सबसे पहले आपको ड्राइंग करनी है, ठीक है। एक सिंपल सी ड्राइंग, कुछ ज़्यादा हार्ड ड्राइंग मैं आपको नहीं दिखाऊंगा यहाँ पे, सिंपल सी, जैसे कि आपका क्लास थर्ड है उस हिसाब से मैं आपको ड्राइंग यहाँ पे सिंपल से बताऊंगा, ठीक है। जब भी आप लोग ड्राइंग करते हो तो आपको लाइटली पेंसिल चलानी है, ठीक है। आप लोग एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल यूज़ करेंगे या तो फिर पेंसिल प्रेशर के साथ में चलाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए आपको जब भी आप लोग एक्टिविटी करते हो या तो फिर ड्राइंग करते हो तो आपको क्या करनी है, लाइटली पेंसिल चलानी है।
ओके देन जो फाइनल हमारा कलरिंग के साथ में कंप्लीट जब होगा फिर से ब्लैक जेल पेन से या तो फिर आपके पास स्केच पेन होगा तो स्केच पेन से इसे आपको क्या करना है आउटलाइन करनी है ठीक है। देन यहाँ पे मूली दिखाइए ओके। तो सबने तो वेजिटेबल देखे होंगे तो आपको कलर कौन कौन से रहते हैं ये भी पता होगा ठीक है। तो उस हिसाब से हमें कलर भी करें उसके साथ में कर लें ओके। हर वेजिटेबल का एक शेप होता है अपना अपना ओके। उस हिसाब से आपको सबसे पहले एक मेजरमेंट लेना है कि ये वेजिटेबल हमें ऐसे बनाने हैं ठीक है। तो एक पर्टिकुलर शेप होता है हर चीज़ का। सबसे पहले जो शेप है उस शेप को आपको ड्रॉ करना है ठीक है। देन बाद में आपको उसका जो ड्राइंग रहेगा उस ड्राइंग को आपको इसे कंप्लीट करना है ठीक है। ये छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन रहते हैं बट बहुत ही काम के रहते हैं। या तो आप लोग डायरेक्टली ड्राइंग करते हो देन फिर से आपको रब करना पड़ता है ठीक है। उससे क्या होता है आपका जो पेज है वो और भी काला काला दिखने लगता है ठीक है। उससे अच्छा ये रहेगा कि आपको सबसे पहले लाइटली ड्रॉ कर लो देन बाद में उसे मेन शेप में लाने के लिए बाद में आप लोग आराम से उसे फेयर कर सकते हो ठीक है। ये तीन चीजें यहाँ पे आपको दिखाए हैं ओके। आप लोग देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे ये ड्राइंग मैंने बनाई लाइटली ड्राइंग है ठीक है। मे भी आपको आपके स्क्रीन पे नहीं दिख पाएंगे ठीक है। बट जैसे मैंने स्ट्रोक यहाँ पे लगाया वो तो आपने देखे होंगे। उसके साथ में आपको मतलब जब भी आप लोग ड्राइंग करोगे तो आपकी जो स्ट्रोक की जो प्रैक्टिस है वो भी अच्छे से हो जाएंगे। देन स्टेप बाय स्टेप आपको कलर दिए है ठीक है। सो आप लोग जो भी आपके पास कलर है ऑयल पेस्टल है ठीक है या फिर वाटर कलर है सो यहाँ पे ऑयल पेस्टल आपको यूज़ करना है ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने फर्स्ट स्टेप में हमें दिखाया कि येलो कलर यहाँ पे उन्होंने यूज़ किया है ठीक है। आपको ऑलरेडी यहाँ पे इंडिकेट करके दिखाया है उन्होंने ठीक है। जो भी इंस्ट्रक्शन दिया है उसके साथ में ठीक है। तो जो जो कलर यहाँ पे आपको दिख रहे हैं वो कलर आपको यूज़ करना है ठीक है। जब भी आप लोग कलर करते हो पर्टिकुलर पार्ट तो ऑयल पेस्टल आप लोग यूज़ करते हो तो उसमें जितना पार्ट आपको कलर करना है उसको स्ट्रोक वाइज और उसका जो पर्टिकुलर पार्ट है लाइट का ठीक है। जब भी हम लोग ड्राइंग करते हैं या तो फिर शेडिंग करते हैं तो जितना पार्ट हमारा लाइट वाला है ठीक है उतना पार्ट हमें छोड़ना रहता है। छोड़ना रहता है मतलब वहाँ पे हम लोग कलर नहीं करते दैट इज़ द लाइट ओके। क्योंकि सबको पता है कि लाइट कलर
ब्राइट रहता है और व्हाइट सबसे ब्राइट कलर है। तो एक अंदाज आपको लगाना है कि मुझे व्हाइट कहाँ से कहाँ तक छोड़ना है, मतलब लाइट कहाँ से कहाँ तक छोड़ना है। तो कलर में आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। और जितने आप लोग कलरिंग करते टाइम पार्ट वाइज कलर करोगे तो आपको जो शेड है, ठीक है, हर पार्ट के लाइट मिडिल डार्क के साथ में जो शेड है उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। जितना भी पार्ट आपको फर्स्ट स्टेप में दिया है उतना ही आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। देन जब तक आपका फर्स्ट स्टेज कंप्लीट नहीं होता है, स्टेप कंप्लीट नहीं होता है, तो तब तक आपको न्यू स्टेप नहीं लेनी है, ठीक है। देन सेकंड ऑरेंज है, तो ऑरेंज वाला पार्ट कितना है, जितना मुझे लेना है यहाँ पे जैसे दिखा है उतना मैं कंप्लीट करूँगा। देन जहाँ पे मुझे चाहिए, ठीक है, जब भी आप लोग कलरिंग करते हो तो कलरिंग करते टाइम जितना भी आप लोग फॉलो करते करते कलरिंग करोगे उतनी ही आपकी कलरिंग की प्रैक्टिस और भी अच्छी होती है, ठीक है। क्योंकि ड्राइंग में जितना आप लोग फॉलो करेंगे उतना आपका ऑब्जर्वेशन जो रहता है वो हरदम बढ़ते रहता है, ठीक है। और ड्राइंग में सबसे अहम बात है कि हमें ऑब्जर्वेशन हमारा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर एरिया हम लोग कॉपी भी कर रहे हैं तो हमें पता रहना चाहिए कि ये इसकी ड्राइंग कैसी रहती है, इसमें कलर कौन कौन से रहते हैं, ठीक है, और इसका एक्चुअल शेप कैसा है, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन से ही हमें पता चलती है। तो ड्राइंग में सबसे इम्पोर्टेंट है आपको ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है। देन ग्रीन कलर, जो कि हमारे बॉक्स में दो ग्रीन कलर रहते हैं, एक लाइट ग्रीन कलर रहता है जैसे कि आप लोग बोलते हैं लाइट ग्रीन कलर और डार्क ग्रीन कलर, ठीक है, बट उनका एक पर्टिकुलर नाम रहता है डीप ग्रीन एंड सैप ग्रीन, ठीक है। तो ये भी आप लोग बोलते हैं कि लाइट ग्रीन कलर करना है और डार्क ग्रीन कलर करना है, ठीक है। तो ये भी एक कलरिंग का पार्ट है कि कलर के नाम भी हमें अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। एक आपके नॉलेज के लिए मैंने बोला, क्योंकि आप लोग कलर देख के उसे नाम देते हो कि इस कलर का नाम क्या, मतलब इस कलर को कौन सा कलर बोलते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है, हम लोग स्टेप नंबर टू में जाएंगे कि यहाँ पे हमें कौन कौन से कलर एक्स्ट्रा और यूज़ करना है, ठीक है। देन एक है ऑयल पेस्टल का कलर है, वो है रेड कलर, ठीक है। जहाँ जहाँ रेड चाहिए वहाँ पे रेड करना है, ठीक है। रेड के साइड में यहाँ पे येलो कलर दिया है, ठीक है। देन येलो के लिए हमें उतना स्पेस छोड़ना है, ठीक है। देन यहाँ पे येलो कलर आएगा, देन आप जो भी पार्ट कलरिंग करते हो तो कलर मिक्सिंग, ओके, देन कलर मर्ज करना, जितना मतलब जितने टाइम आप लोग कलर करोगे उतना टाइम आपको ये समझ में आएगा कि कलर मिक्सिंग कैसा रहता है, ठीक है। देन कलर को
मतलब उसे डीप और लाइट कैसे चलाना है, क्योंकि ये सारे पॉसिबल है जब आप लोग अच्छे से कलरिंग करेंगे। तो ये चीज़ आपको बाद में अच्छे से आ जाएंगी, ठीक है। क्योंकि हमें हर ड्राइंग में, हर एक्टिविटी में बस सीखना रहता है, ठीक है, और फ्यूचर में ये सारी चीज़ें हमें काम में आ सकती हैं। जैसे कि मैंने बोला आपको कि यहाँ पे लास्ट में आपको ब्लैक जेल पेन से या तो फिर ब्लैक मार्कर से, ब्लैक स्केच पेन से आपको आउटलाइन करनी है, ठीक है। तो देन आउटलाइन करने के बाद में ये सारा जो पार्ट है वो और भी अच्छे से आपको दिखेंगे, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे कि कलरिंग के साथ में मैं स्ट्रोक कैसे यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है। तो कलर भी मिक्स करना है, स्ट्रोक भी लगाने हैं, ठीक है, कलरिंग भी करनी है, ओके। कलर में पार्ट नहीं दिखने चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें कलरिंग में दिखनी रहती है, ठीक है। बट एक्चुअल में आप लोग मूवी देखेंगे या तो फिर रेड कलर का एक्चुअल में क्या रहता है, ठीक है। किसी कमेंट नहीं है अभी तक, मैंने क्वेश्चन पूछा था कि रेड कलर का वेजिटेबल में क्या रहता है कि जो हम लोग खा सकते हैं, ठीक है। जब भी आप लोग वीडियो देखेंगे तो कमेंट करके बोलना है, ठीक है। जब भी आप लोग ये एक्टिविटी बनाओगे तो वीडियो के साथ में भी बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। जितना पार्ट आपको अच्छे से आ रहा है, ठीक है, उतना पार्ट आप लोग बना रहो, ठीक है। जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे फिर से वीडियो स्टार्ट करो। एक ऐसी भी टेक्निक आप लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हर एक इसमें एक टेक्निक रहती है, हर एक पार्ट में आपको दो तीन कलर के साथ में कलरिंग करनी है, ठीक है। जैसे कि आपको स्टेप वाइज कलर करके दिखाया है, ठीक है, देन आपको स्टेप वाइज कलर करना है, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने सिर्फ एक ही कलर के साथ में कलर की होंगी, बट ये आपके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। देन यहाँ पे थोड़े से लिप यहाँ पे दिखाए, ठीक है।
और लास्ट स्टेप नंबर थ्री, यहाँ पे हमें ब्राउन का काम है, रेड का काम है, ठीक है। और स्टेप नंबर फोर भी इसमें यूज़ करना है, जो है हमें आउटलाइन के लिए काम में आएंगे, ठीक है, क्योंकि आउटलाइन के लिए यहाँ पे स्टेप नहीं दिखाई है। सो आप लोग स्टेप नंबर फर्स्ट में ये भी कर सकते हो कि सबसे पहले ड्राइंग बना लो, देन उससे आउटलाइन कर दो, देन कलर करो, ठीक है, ये भी कर सकते हैं, या तो फिर लास्ट में भी उसे शेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है, देन लास्ट में आपको स्टेप नंबर फोर में आपको क्या करना है, इसे आउटलाइन करनी है ब्लैक जेल पेन से या तो फिर ब्लैक स्केच पेन से, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही था, आप लोग को इसे कंप्लीट करना है। जब तक इसका इसे आप लोग अच्छे से आउटलाइन नहीं कर पाओगे, तो उसका जो शेप है, उसकी जो लाइन से कर्व लाइन से, ओके, ये अच्छे से आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे भी सपोज ये इनकम्प्लीट है, ठीक है, आपको इसे आउटलाइन करके ये आपको पूरा कंप्लीट दिखेगा, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। ये स्टिल लाइफ नाम का एक टॉपिक था, एक बेसिक टॉपिक है, ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, वेरी गुड इवनिंग। ओके, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा क्लास है, क्लास फाइव का है, ओके। सो जैसे कि हम लोग आरटीचम बुक में से सारे एक्टिविटी यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपने भी अभी तक कंप्लीट की होंगी। आज का न्यू टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, मेहंदी डिज़ाइन, ठीक है। सो ये जो मेहंदी डिज़ाइन है, ये ऑलमोस्ट सबको मेहंदी निकालनी, सबको लगता है कि मुझे भी मेहंदी निकालनी आनी चाहिए, ठीक है, और मुझे भी मेहंदी निकालना है, ठीक है। जब भी फेस्टिवल रहता है या तो फिर कुछ मैरिज रहता है, कुछ वैकेशन रहता है, तो हम लोग जस्ट डिमांड करते हैं कि हाथों पे मेहंदी निकालनी है, ठीक है। आपके लिए एक सिंपल सा यहाँ पे एक इंडिकेट किया हुआ, यहाँ पे एक हैंड दिखाया है, ठीक है, उसे आपको जस्ट कॉपी करना है, ठीक है। सो ये एक वाइट स्पेस आपको पेज नंबर 20 पे एक वाइट पेज आपको दिखाया है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो कि आपको क्या करना है, आपका जो हैंड है, हैंड उस ब्लैंक स्पेस पे रखना है, ठीक है। देन पेंसिल से आपको आपका हैंड जो है, आपको हैंड को कॉपी करना है, ठीक है। ये जो स्पेस दिया है, ठीक है, आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है, बट मैं ट्राई करूंगा अभी यहाँ पे कि स्पेस कम है और हैंड बड़ा है, ठीक है। जस्ट आपको क्या करना है, आपके हैंड की जो आउटलाइन है, उस आउटलाइन को आपको अच्छे से कॉपी करना है, ठीक है। देन आपको जो ब्लैंक स्पेस दिया है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन भी दिया है, आप लोग आराम से इसे पढ़ के
बना सकेंगे, ठीक है। ओके सो यहाँ पे मैंने, आप लोग देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, यहाँ पे मैंने मेरा हैंड यहाँ पे कॉपी कर दिया है, ठीक है। कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सिर्फ मैंने मेरा हैंड यहाँ पे फिक्स करने के बाद में मैंने सिर्फ आउटलाइन से हैंड बना दिया, ठीक है। देन आप लोगों को ब्लैक स्केच पेन या तो फिर ब्राउन स्केच पेन, ओके, ऑब्वियसली मेनली ब्लैक नहीं रहती है, ठीक है, बट यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया है यूजिंग अ ब्लैक स्केच पेन, ठीक है। आप लोग ब्लैक स्केच पेन या तो फिर रेड स्केच पेन या तो फिर ब्राउन स्केच पेन, वट एवर जो भी आपके पास स्केच पेन अवेलेबल है, वो स्केच पेन आप लोग इस हैंड में यूज कर सकते हो, ठीक है। नाउ क्रिएट अ न्यू मेहंदी डिजाइन यूजिंग अ रेड कलर स्केच पेन, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे रेड स्केच पेन के साथ में इसे डिजाइन आपको बनानी है, ठीक है। जस्ट सिंपल सी डिजाइन है, बहुत से फॉर्मेट है डिजाइन के, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर लाइंस रहती है, लाइंस के साथ में हम लोग डिजाइन बना सकते हैं, ठीक है। बट हमें यहाँ पे छोटे से सर्कल के साथ में एक डिजाइन बनानी है, एक छोटा सा सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, एक फिंगर में यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताऊंगा, ठीक है। देन इसकी जो लाइंस है इसे भी हमें अच्छे से दिखानी है, ठीक है। देन छोटी छोटी लाइंस है दो, ओके। देन फिर से देखो, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि सारी डिजाइन में, मतलब इस डिजाइन में सब सर्कल वाली डिजाइन है, ठीक है। एक छोटा सा सर्कल के साथ में लाइंस बनाई, ठीक है। देन उसके साथ में और एक देन ये बढ़ता जाएगा अभी, ठीक है। तो जब भी आप लोग मेहंदी डिजाइन करते हो तो हर मेहंदी डिजाइन में आपको सिर्फ लाइन्स ही दिखेंगी, ठीक है। वो कर्व लाइन होंगी या तो फिर सर्कल वाली लाइन होंगी, ओके, कर्व लाइन होंगी, देन स्लैंडिंग लाइन होंगी, ये सारे लाइन्स यहाँ पे मेहंदी में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे शंख का शेप यहाँ पे दिया है, ठीक है, क्योंकि जब हम लोग मेहंदी डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है, तो जितनी लाइंस अलंकारिक है वो सारी लाइंस हम लोग इसमें मेहंदी में यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। सो आपको थोड़ा सा इसे टाइम लग सकता है, क्योंकि आपको हर एक पार्ट देख के ड्रॉ करना है। और मेहंदी डिज़ाइन में ये रहता है कि एक पार्ट को बार 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 रिपीट करके एक पैटर्न यहाँ पे हम लोग बनाते हैं या फिर बनता है, ठीक है। और एक पर्टिकुलर एरिया रहता है, वहाँ पे हम लोग डायरेक्टली डार्क वाला या तो फिर डार्क पॉइंट हम लोग बनाते हैं, ठीक है। और जब भी आप लोग ये एक्टिविटी कंप्लीट करोगे, ठीक है, तो आपको स्केच पेन के साथ में, सबसे पहले तो आपको पेंसिल के साथ में पूरा हैंड बनाना है, ठीक है। देन स्केच पेन से उसे, रेड स्केच पेन से उसे आपको सिर्फ जितना, मतलब जितना पार्ट आपने पेंसिल से बनाया वो सारा पार्ट आपको स्केच पेन से बनाना है, ठीक है। बस इतना ही वर्क आपको करना है।
जितनी लाइंस मेहंदी में दिखेंगी, ठीक है, उतनी मेहंदी और भी अच्छी दिखती है आपकी। तो आई होप ये सीखने के बाद में आप लोग आराम से खुद के हाथ की मेहंदी खुद के हाथ पे बना सकोगे, ठीक है, क्योंकि राइट हैंड से लेफ्ट हैंड पे मेहंदी हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि कोई लेफ्टी होगा तो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे मेहंदी बना सकता है। जितनी मेहंदी लाइंस रहेंगी उतनी मेहंदी और भी आपकी अच्छी दिखती है, ठीक है। और मेहंदी में हर एक पार्ट में आपको डिजाइन करनी है, वो भी लाइन के साथ में, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं रहता है, सारी इजी टेक्निक रहती है, सिर्फ लाइंस रहती है, कवर लाइन है, ओके। जितना पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है उतना पार्ट आप लोग बनाओ, या तो फिर किसको अच्छे से मेहंदी आती होंगी तो आपके मन से भी बना सकते हैं आप लोग। और यदि नहीं आती है तो जस्ट देख के कॉपी करो, आपकी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएंगी। देन ये कंप्लीट होने के बाद में इसके जो फोटो है आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप पे आपको सेंड करने, ठीक है, ताकि हम लोग इसे आराम से चेक कर सके। तो इतना पार्ट मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाया है, ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मेहंदी का एक, जब तक मेहंदी आप लोग बनाते हो मेहंदी में जब तक बहुत सारी लाइंस नहीं आती है तब तक मेहंदी अच्छी सी डिज़ाइन वाली नहीं दिखती है, ठीक है। यहाँ पे से बहुत सा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो इसे मैं कंप्लीट करके आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, या तो फिर आपके सामने मैं इसे कंप्लीट करूंगा। बाकी आपको जितना आता है आप लोग बना सको घर पे, उतना पार्ट मैंने यहाँ पे आपको सिखाया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे, देन आपको भी इसे कंप्लीट करना है। सो आज का जो टॉपिक है हमारा वो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। जितना सपोज आपको अच्छे से मेहंदी आती होंगी घर पे, तो मेहंदी जस्ट आपके हाथ में नहीं बनानी है, पेपर पे आपको सिर्फ जस्ट आपका हैंड रखना है, उसे कॉपी करना है, देन आपके हैंड पे जो डिज़ाइन आप लोग बनाओगे वो डिज़ाइन आपको पेपर पे बनानी है, ठीक है। देन उसके जो फोटो है विदाउट ब्लरिंग फोटो, ये आपके रेस्पेक्टिव ग्रुप पे सेंड करना है। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।